बिजनौर लखनऊ से जितनी दूर लगता है मुझे बिजनौर आने में और उसको और नजदीक में महसूस करता हूं। और इसी का परिणाम है कि आज बिजनौर तेजी के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, जब विकास होता है तो उसका लाभ सबको प्राप्त होता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी और अपराधी और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। भैया बहनों, ये सख्ती का परिणाम हुआ, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, दंगा भी नहीं होता ना, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है ना, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं ना, बेटियां सकुशल स्कूल जा पा रही है ना।